नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। कोरोना मुकाबिलारे सारा विश्व पई ओडिसा एबे उदाहरण। राज्यवासी को वीडियो वार्ता दे एहा कहिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कहिसेंती कोरोना लड़ाई रे ओडिसा सफल होइछे। मृत्यु हार रोकिबारे विश्वर उदाहरण सृष्टि करिछि आम राज्य। विश्वर बड़ बड़ शक्तिशाली और धनी राष्ट्र जहां करि पारि नाहंती। एबे सुधा 50% आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरिलेनी। सेहीपरि नवीन कहिसेंती कि सरकारी और बेसरकारी कर्मचारी माने सेवा जोगाई चलिछंती। कोविड योद्धां निष्ठा और बलिदान जो आमे कोरोना को मुकाबिला करिबारे सक्षम होइछु। महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद सर्वदा आम सह रही। कोविड योद्धा को उत्साहित करने शनिवार संध्या 5:30 वंदे उत्कल जननी गान करने को आह्वान देते मुख्यमंत्री। एबे दुई मास रु अधिक समय होइगला कोविड युद्ध रे लोकों को जीवन बचाइबारे ओडिशा आजिका दिन रे केवल भारत वर्ष रे नुई सारा विश्व रे एक उदाहरण सृष्टि करि पारिछि। कोविड रे ओडिशा रे मृत्यु हार सारा दुनिया रे सबुठारु कम। करोना रे पीड़ित अधारु अधिक लोक 50% लोक सुस्थ हो घर को फेरिले। ओडिशा परी गोटे राज्य तथा आम ओडिशावासी को पाई यह एक बड़ सफलता। दुनियार शक्तिशाली देश तथा भारत रो बड़ बड़ राज्य धनी राज्य माने मध्य करोना युद्ध रे एतेटा सफलता पाई नहांती। आजिका दिन रे उड़िया जाति पाई एहा एक अभूतपूर्व सफलता। एही समय रे प्रवास रे थिबा लक्ष लक्ष उड़िया भाई बोनी घर को फेरी छंती। तथापि कोविड विरुद्ध रे संग्राम रे आमे भल स्थिति रे अच्छु। एहा पछ रे रोइछि करोना युद्ध रे दिन राति काम करूथिबा आमर लक्ष लक्ष कोविड योद्धा मानक त्याग निष्ठा और प्रतिबद्धता। सीरे जे भी हंतु लोक प्रतिनिधि सरकारी बा बेसरकारी कर्मचारी निज निजर सुख दुख को पचरे पकाए से माने जे बड़ी सेवा जोगाई चली चंती तार तुलना नहीं। ओडिशा माटी सह संपर्क थिबा समस्त आमर ओडिया भाई बोनी को मु अनुरोध करूछि जे मई 30 तारीख शनिवार दिन संध्या 5:30 रे आपण माने दुनिया रे जेउ ठारे भी थांतु सामाजिक दूरता रक्षा करी वंदे उत्कल जननी संगीत गान करंतु। यार उद्देश्य होउछि आमर कोविड योद्धा मानकु उत्साहित करिबा से मानको त्याग को सम्मान जणाइबा। एहा हम संकल्प को आहुरी दृढ़ करिबा पई प्रेरणा जगाइबो। सेपटे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को वार्ता को स्वागत करिछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ट्वीट करी कहिछंती कोविड योद्धांक सम्मान रे वंदे उत्कल जननी संगीत गान पई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आह्वान को से स्वागत करुछंती। वैश्विक महामारी कोरोना लड़ाई प्रथम धाड़ी योद्धा को सम्मानित और उत्साहित करिबा देश प्रेमर निवेदन। वंदे उत्कल जननी 4.5 कोटी ओडियांक हृदयर स्पंदन और भावना सह जड़ित। माटी माँ को उत्सर्ग होइतिबा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक एही प्रेरणादायी वंदे उत्कल जननी को गान करिबा पई से ओडिशावासी और बीजेपी दलर समस्त कार्यकर्ता को अनुरोध करिछंती। कोरोना योद्धांक सह फोन जोगे कथा हेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा समुख योद्धांक सह वार्तालाप करिछंती। सरपंच आशा दीदी और अंगनवाड़ी कर्मीक सह कथा होई सेमानक साहस और त्याग को मुख्यमंत्री भूयसी प्रशंसा करिछंती। आक्रांत योद्धांक आशु आरोग्य कामना करिछंती नवीन। एही योद्धांक त्याग अन्यमानंकु अनुप्रेरित करिबो बोली मुख्यमंत्री आशा व्यक्त करिछंती। प्रवासी श्रमिकों को खाद्य दियो एवं यात्रा बाबत भड़ा नियोनी।
प्रवासी श्रमिकों मामलें सबु राज्य और रेल मंत्रालय को यही निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट से चली चली जा श्रमिकों आश्रयस्थल को नहीं से खाद्य और मौलिक सुविधा जोगाई देवाकूंट को लॉकडाउन पर निज निज राज्य को फेरुंट हजार हजार श्रमिक कहीं कहीं चली चली जाऊंट तो आउ कहीं बस और ट्रेन जोगे जात्रा प्रेमी कष्ट भोगुं तेणु बस किंवा ट्रेन में श्रमिकों पर भड़ा नेवाकूंट सुप्रीमकोर्ट बस यात्रा आरंभ होता स्थान में प्रवासी को खाद्य और पा देते संपुक्त राज्य सरकार एवं से ही ट्रेन में जात्रा बेले प्रवासी श्रमिकों खाद्य और पा जोगाई देवाकूल मंत्रालय को निर्देश देते सुप्रीमकोर्ट क्वारंटाइन केन्द्र पंचायत निर्वाचन बाहर राज्य फेरुवा अस्थायी श्रमिकों रखा क्वारंटाइन केन्द्र उपरे प्रमुख राजनैतिक दल पक आखि पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक उभय बीजेपी और बीजेडी को टार्गेट करिसेंते क्वारंटाइन केन्द्र सुपरिचालन न हेले स्वर उठाजिबो बोली बीजेपी कहिछे जहार काउंटर करिछे बीजेडी क्वारंटाइन सेंटर को नहीं राजनीति उभय बीजेडी और बीजेपी को टार्गेट करिछे कांग्रेस कांग्रेस स्पीक इन इंडिया कार्यक्रम में पीसीसी सभापति कहते निर्वाचन पूर्व बीजेडी बीजेपी भितर कली लगी कोरोना बेले हो जाती कोड़ाकोली क्वारंटाइन सेंटर परिचालन में कांधरे कांध मिसाई काम कर प्रकृत में दुई दल कोरोना मुकाबला ना पंचायत निर्वाचन पर प्रस्तुति चल अभोग आरंजन निर्वाचन स्वप्न न देख वर्तमान ओडिशार जनसाधारण जो असुविधार सम्मुखीन होती गरीब लोक आरंभ कर मध्यवित श्रेणी पर्यंत तार मुकाबला करंतु एपटे बीजेपी कहिछि क्वारंटाइन सेंटर ठीक रे परिचालना करान गले स्वर उठिबो अनियमितता धरिबाकु सबु पंचायत रे आरटीआई प्रमुख को नियुक्त करा दिबो राज्य सरकार कड़ा विरोधर सम्मुखीन हेबे बीजेडी रो जवाब हला संगरोध केन्द्रर सुपरिचालना पई सरपंचक ठारु जनप्रतिनिधि समस्त लागिछन्ति एभली समय रे समालोचना आरोप ठीक नुहे राज्य सरकार जिते जहाँ कहले भी आज क्वारंटाइन सेंटर गुड़िक गोटे सुस्थ वातावरण में चलू से कथा जमापड़ी आज क्वारंटाइन सेंटर मानक सात दिन दस दिन चौदह दिन रहीगला भी आज कौन लोकं टेस्टिंग होनी बर एप्रिसीएट करवा कथा से राति दिन कमी खटिकी क्वारंटाइन केन्द्र गुड़ी सुपरिचालना कर इति दोषदर्शी भाव रही भल आम जो कौचे आउटकम आड़ को जाइए से व्याघात हो पाए 2022 पंचायत निर्वाचन एवं आरंभ है निर्वाचन राजनीति भुवनेश्वर कैमेरामैन आशीष दास चितन स्वाई महेश प्रसाद नंद और सुमंत सुंदराय न्यूज 18 ओडिया लदाखे लाइन अफ आक्चुआल कंट्रोल पाखे सेनार गतिविधि अधिक बढ़ी जा प्राय 20 दिन पूर्व चीनी हेलिकॉप्टर भारतीय वायु सीमार निकटतर होता किंतु भारतीय फाइटर विमान लेह एयरबेस रु उड़ाण भरी घोड़ाई सैटेलाइट चित्र सीमार चीन करुवा सब् कारनामार पर्दाफाश हो भारत निर्माण कम को विरोध तांगक हजार हजार संख्यार सैनिक मुतयन पक्षे चीन उद्देश्य एजाए स्पष्ट होना एबे आसीथिबा सैटेलाइट चित्रे अक्साई चीन अंचल रास्ता कड़े चीन सेनार बड़ धरणर गतिविधि देखा मिलू अक्साई चीन लदाखर से ही अंश जोटि चीन 1962 मसीह युद्ध पर कब्जा कर यूरोपियन स्पेस एजेन्सी ताजा चित्र चलित मास तृतीय सप्ताह अक्साई चीन क्षेत्र में चीन सेनार गतिविधि देखा भारत और चीन मध्य देखा सीमा विवाद शेष करने को आमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता प्रस्ताव नहीं प्रतिक्रिया रखी मिलित जातिसंघ जातिसंघ महासचिव मुखपात्र एमती स्थित किए मध्यस्थता करने उचित ता स्थिर करने यूएन महासचिव काम नुहे जातिसंघ स्थित नजर रखी सेपटे भारत और चीन प्रसंगर निजक दूरे रखी श्रीलंका सक्रिय राजनीति में 50 वर्ष पूर्ति अवसर में न्यूज 18 को स्वतंत्र साक्षात्कार श्रीलंकार प्रधानमंत्री महिंदा राजपाक्से देश उभय भारत और चीन सह भल संपर्क रखा चाहे भारत और चीन मध्य 3500 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा बा एलएसी लद्दाख और उत्तर सिक्किम अंचल में उभय पक्षर निर्माण कम चली किंतु भारत पक्षर निज सीमा भितर कम को चीन विरोध करुछे
ଚୀନ ଏଲ୍ଏସିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରିବା ପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଏବେ ଭାରତ ଦେଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ସହ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅନୁରାଗ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ନେପାଳ ଓ ଚୀନ ସହ ଏବେର ସମ୍ପର୍କ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଅଛି। ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ପଙ୍ଗପାଳ ଦମନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପଙ୍ଗପାଳକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟରର ସହାୟତା ନିଆଯିବ। ପଙ୍ଗପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 50 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପଙ୍ଗପାଳକୁ ଦମନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପଙ୍ଗପାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର 30 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପଙ୍ଗପାଳ କବଳରେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବ ରହିଛି। भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है, लेकिन इसके लिए तैयारियां द्रुत गति से हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है। कोरोना सह लड़ुची सारा विश्व, एभली समय रे भारत पई आसीची आउ एक बड़ा विपद। ଏହି ବିପଦ ତା କବଳରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟକୁ କବଳିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କରୋନା ଭଳି ଏହାର ବି କୌଣସି ପ୍ରଭାବୀ ମୁକାବିଲା ଏଯାଏ ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିନାହିଁ। ସେ ଆତଙ୍କର ନାଁ ପଙ୍ଗପାଳ। କରୋନା କାଳରେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆଟାକ୍। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପଙ୍ଗପାଳ ତୋଫାନ। ଭୋକିଲା ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ସଫା। ପାକିସ୍ତାନ ଦେଇ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ରଚିବା ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ପନିପରିବା ଓ ସୋୟାବିନ ଫସଲକୁ ବର୍ବାଦ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଗହମ ଫସଲ ଅମଳ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଚାଷୀ, ତଥାପି ଏବେ ବି ଜମିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଫସଲକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ପଙ୍ଗପାଳ ଆତଙ୍କରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି ଆତଙ୍କିତ। ସିହୋର, ହୋସଙ୍ଗାବାଦ, ଛତରପୁର ପରେ ଏବେ ସତନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ପ୍ରଳୟ। ମରୁପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ଏମାନେ ସତନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଓ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଗଛ ସହ ଫସଲକୁ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସହାୟତାରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ଏମାନେ ଘେରି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ବିକାନେର, ଯୋଧପୁର, ପାଲି, ନାଗୌର, ଆଜମେର, ଶ୍ରୀଗଙ୍ଗାନଗର ଓ ଜୟପୁର ଭଳି ସହରରେ ଏହି ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ ଏଭଳି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,
ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। आगे चली मैट्रिक खाता देखा साठी केन्द्र में कोविड गाइडलाइन पालन करी मूल्यायन करुछन्ति शिक्षक शिक्षयित्री बलांगीर ग्रीष्म प्रवाह जोगु खाता देखा समय रे परिवर्तन करा जाय छे। कोविड गाइडलाइन भितरे चली छि मैट्रिक खाता देखा नुआपड़ा नेशनल नोडल हाईस्कल सामाजिक दूरता रक्षा करी मूल्यायन करुछन्ति शिक्षक शिक्षयित्री सेपटे बलांगीर सरकारी उच्च बालिका विद्यालय और टेटलागड़ सरकारी उच्च बालक विद्यालय चली मूल्यायन समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मास्क पिंधुंट जिले में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जो खाता देखा समय पर करते केन्द्र अधीक्षक 106 जन शिक्षक शिक्षयित्री जो मैंने 10 किलोमीटर परिधि भितर रोचा नुआपड़ा हेडक्वाटर से ही शिक्षक शिक्षयित्री मैंने मूल्यांकन कर आशा कर एटा 25 रु 30 दिन लगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करुचु रूम भितरे छड़ा छड़ा बसईचु समस्त को मास्क पिंधुं एवं सानिटाइजर दिया हेची पानी रो सुविधा करा हेची हाथ धोईवाई टैंक सहित मल्टीपल टेप लगा ही हैंडवाश गुड़ाक व्यवस्था करा हेची। जगत सिंहपुर सरकारी बालिका विद्यालय और कुजंग कॉलेज रे होची मैट्रिक मूल्यायन सरकारी बालिका विद्यालय 200 मूल्यायन करी आसवा कथा किंतु एबे खाता देखुचंती 145 जन तेणु खाता देखा विलंब होगा आशंका रही जेहेतु 10 किलोमीटर रेडियस भितर खाता देखा कर देखापी बोर्ड तरफ स्थिरीकृत है तेणु 10 किलोमीटर रेडियस भितर मिलूवा शिक्षक मैंने ये योगदान कर दूर शिक्षक मैंने योगदान करना जो टार्गेट रखाई बोर्ड तरफ 10-12 दिन में सरवाई ता आउ 2-4 दिन अधिका हो पाए बोर्ड इनस्ट्रक्शन जड़े गोटे खाता देखिपर तेनाली दिखाई एवं ऑब्जेक्टिव देखा ऑब्जेक्टिव सर सब्जेक्टिव देखा तथा टीचर मैंने पुणी अपॉइंटमेंट चली पाखापाखि जी अच्छा सब पुणी आ जून शेष सुधा परीक्षा फल प्रकाशन लक्ष्य रखी विद्यालय गणशिक्षा विभाग नुआपड़ विजय सहित बलांगीरु चंद्रभानु मुलणा और जगत सिंहपुर पिनाकी महांती न्यूज 18 ओडिया। आतंक खेलाई कोरोना प्रति जिला को फेरुछंती सह सह प्रवासी क्वारंटाइन रे रखिबा थारु समस्त दायित्व सरपंच हाथ में जगत सिंहपुर जिला को भी फेरुछंती दैनिक सह सह प्रवासी कर्मसंस्थान छाड़ी गांव को चली आसुवा प्रवासी भविष्य कौन से नहीं घारी चिंता कोरोना जनित लॉकडाउन भितर प्रवासी प्रवेश जगत सिंहपुर जिले में एजाए आसिले 14,000 अधिक प्रवासी यहसह जिले में बढ़ी आक्रांतों संख्या गुरुदायित्व सरपंच अंगनवाड़ी और आशाकर्मी से माने जीवन विपन्न करी क्वारंटाइन सेंटर तदारख करिबा सह गाँ गाँ रे करुछंती सचेतन आम समस्त लोक मानक सचेतन करूचु आमर सरपंच आ समस्त पंचायत समस्त अंगनवाड़ी सीठाला पंचायत समस्त अंगनवाड़ी कर्मी आशाकर्मी आम समस्त एकजुट हो बाटे जाऊँ जो लोक मैंने मास्क न पिंधि से मास्क पिंधापी सचेतन कराऊ समस्त चेकिंग कराई एवं मास्क चेकिंग कराऊँ तीन जनिया जो मैंने गाड़ी जाऊँगी चेकिंग करा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने विभिन्न प्रकार जो कार्यक्रम अच्छे गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो करने की जहाँ मैंडेटरी सब बुझे जिलूार छुटुंट बाहर राज्य में फसी प्रवासी से सुरक्षा लगी पंचायत स्तर में ध्यान दे सरपंच पालुं सरकारी नियम सेपटे फेरुवा हजार हजार लोकों भविष्य नहीं उठी प्रश्न चाहिए जी से एनआरजीएस काम करें कि सरकार तरफ जदि बहुत स्कीम तो आसूँ जदि सीतर भी जदि से चाहिए करवाई से माने भी करते ना बेपार बटा जहाँ तक जोटा भल लगे से करेंगे प्रत्येक पंचायत आम करेन्ट रूम कराई जेकोज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आसवे कि परीक्षा करेंगे कि बाहर जो मैंने प्रवासी मैंने आसवे से माने स्कूल रे ब्लड टेस्ट हे टेस्ट जदि पॉजिटिव आसला से करेन्ट रूम पठे दिजाव सेपरेट रूम जार अच्छे से जाऊँगी ना आम स्कूल करेन्ट रूम रखिक आडजस्ट करूँ कोरोना विरोध में चलो लंबा लड़े आगकू सरपंच लगी आसू बड़ चैलेंज जगत सिंहपुर पिनाकी महांती न्यूज 18 ओडिया। बदली पाणीपाग विभाग मिजाज उपकूल ओडिशा रे टिकिए मिली आश्वस्ति कोहला पाग सांग को ठंडा पवन बहिपारु खरारु मिली त्राही किंतु सेपटे जलुछि दक्षिण पश्चिम ओडिशा
राज्यर 12 सहरर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहिछि। 45.2 डिग्री सह बलांगीर टिटलागड़ पलटिछि ततलागड़। ताती सांगक असह्य गुळीगुळीरे असह्य होइछि जनजीवन। सेहिपरि बलांगीरे तापमात्रा 43.8 डिग्री रेकर्ड होइतिबा बेले भवानीपाटनारे 43 डिग्री एवं मालकानगिरीरे 42.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। सेहिपरि सम्बलपुररे पारद 42.3 डिग्री रहिछि। सोनपुररे तापमात्रा 42.2 डिग्री रहिथिबा बेले बौद्धरे 42 डिग्री तापमात्रा रहिछि। 41 डिग्री उपरे रहिछि झारसुगुडा हीराकुदर तापमात्रा। फुलपाणी 40.8 डिग्री रेकर्ड होइतिबा बेले सुंदरगढ़ 40.5 और पारणा खेमुटी तापमात्रा 40 डिग्री रहिछि। पाणिपाग विभाग कहिछि आसंता 24 घंटा मध्यरे उत्तर उपकूल ओडिशारे घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रहिछि। अभी कोस्टल ओडिशा में, नॉर्थ कोस्टल ओडिशा और हमारा कोस्टल ओडिशा में थंडरस्टॉर्म का साथ गस्ती सरफेस विंड 40 तेज हवा 40-50 किलोमीटर पर आवर तक रहेगा। इसमें कोस्टल ओडिशा का, नॉर्थ ओडिशा का केंदुझर, मयूरभंज और बाकी प्लेसेस में एक दो जगह में होने का चांसेस है। टेम्परेचर अभी हीट वेव कंडीशन तो नहीं रहेगा, बट टेम्परेचर 40 या लगभग कुछ कुछ जगह में इंटीरियर ओडिशा में रहेगा। समय सारी से बुलेटिन को इतना रखिएगा। नमस्कार। We'll be right back.